नमस्कार, मैं हूं अलका नेगी तोमर और आज हम बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि श्री मैथ्यू आर्नोल्ड की। आर्नोल्ड ने बहुत सी कविताएं जैसे अ ड्रीम, अ समर नाइट, अ विश, डिज़ायर, कैडमस एंड हारमोनिया लिखी। इनकी सर्व प्रचलित कविताओं में डोवर बीच, द स्कॉलर जिप्सी आदि प्रसिद्ध हैं। शेक्सपियर नाम की कविता इनकी सर्व प्रचलित कविता तो नहीं है, परंतु यह सर्वाधिक संकलनों में प्रकाशित हुई है। यद्यपि शेक्सपियर नाटककार के रूप में 16वीं शताब्दी में ही धन और यश प्राप्त कर चुके थे, तब भी कवि के रूप में वे तब स्थापित हुए जब 19वीं शताब्दी में उनके काम के संपूर्ण संकलन प्रकाशित हुए और सैमुअल जॉनसन द्वारा उनकी कविताओं की समीक्षा के बाद तो वे अंग्रेजी साहित्य के सर्वोत्तम कवि बन गए। ऐसे में आर्नोल्ड ने उनकी स्तुति में एक कविता रची जिसका नाम दिया शेक्सपियर। आज हम इसी कविता पर चर्चा करेंगे। शेक्सपियर, अदर्स अबाइड आ क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री, वी आस्क एन आस, दाउ स्माइलेस्ट एंड आर स्टिल, आर टॉपिंग नॉलेज फॉर द लॉफ्टियस्ट हिल, हु टू द स्टार्स अनक्राउन्स हिज मैजेस्टी। मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि बाकी सारे कवियों के कार्य पर प्रश्न उठ सकते हैं, परंतु शेक्सपियर का कार्य सर्वोत्तम होने के कारण निर्विवाद रूप से सही है। उन्हें किसी भी प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं, मुस्कुराने भर से उनका कार्य सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाएगा, उनका तख्त ताज सदा बना रहेगा। फिर कहते हैं, प्लांटिंग हिज स्टेडफास्ट फुटस्टेप्स इन द सी, मेकिंग द हेवन ऑफ हेवन्स हिज ड्विलिंग प्लेस, स्पेयर्स बट द क्लाउडी बॉर्डर ऑफ हिज बेस टू द फॉइल्ड सर्चिंग ऑफ मॉर्टैलिटी। वे अपने चरणों को समुद्र में भी इतनी दृढ़ता से रखते हैं कि वे वहाँ भी स्थिर हो जाते हैं और अपने रहने के लिए स्वर्ग को अपना निवास चुन लेते हैं। जिस प्रकार एक ऊंचा पर्वत समुद्र से उठकर आकाश तक विस्तार ले लेता है, उसी प्रकार शेक्सपियर भी आकाश तक विस्तार पा जाते हैं। वे इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं कि उनकी चोटी बादलों से ढक गई है, अर्थात उनके अमरत्व के विषय में सारे प्रश्न प्रशंसा के बादलों के पार स्वर्ग में अदृश्य हो गए हैं। एंड दाउ हु डिड्स द स्टार्स एंड सनबीम्स नो, सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर, डिड्स ट्रेड ऑन अर्थ अनगेस्ट एट बेटर सो। शेक्सपियर प्रकृति के निकट रहे, उन्होंने अपने आसपास से ही सब कुछ सीखा, यही उनकी सफलता का कारण भी रहा। वे शब्दावली, व्याकरण तथा अन्य बंधनों से मुक्त स्वतंत्र कार्य करते रहे, इसीलिए वे सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सके। ऑल पेन्स द इमॉर्टल स्पिरिट्स मस्ट एंड्योर, ऑल वीकनेस विच इम्पेयर्स, ऑल ग्रीव्स विच बाउ, फाइंड देयर सोल स्पीच इन दैट विक्टोरियस ब्राउ। यह शरीर सभी प्रकार के कष्ट सहता है, उसे भी दुखी होना पड़ता है और झुकना भी पड़ता है, परंतु उन्हें स्वयं पर विश्वास था तथा अपने कार्यों में तत्पर रहे, यही विश्वास उनकी सफलता की आवाज़ बना। मैथ्यू आर्नोल्ड एक अच्छे साहित्यकार तो थे ही, एक अच्छे समीक्षक भी थे। उनकी प्रतिभा इस छोटी सी कविता में भी दिखती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई कविता नए कवि के साथ। तब तक नमस्कार।